चलो चैप्टर खोलो नेक्स्ट, लीगल मेट्रोलॉजी। ये एक्ट आया है 2009 में, मतलब ज्यादा पुराना एक्ट नहीं है, लेटेस्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर किसी को लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता तो पहले हम बेस समझते हैं, प्रैक्टिकली एक्ट क्या बोलता है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट दो तरह की बातें करता है। ठीक है, एक बात करता है ये वेट्स एंड मेजरमेंट्स की, और एक बात करता है ये नॉन वेट्स एंड मेजरमेंट्स की। ठीक है, वेट्स एंड मेजरमेंट समझते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं केजी में? तो अब वेट्स एंड मेजरमेंट अगर मैं तुमको दिखाऊं तो एक ये हो गया, ठीक है, ये भी है पार्ट ऑफ इट, ये सारे, ठीक है, दूध ना आपने किया है वो, ठीक है, ये मेजरिंग कप्स केक वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, ये चारों भी, ठीक है। अब ये वेट्स एंड मेजर्स को बनाने वाले के लिए एक्ट है, जो ये लोग बनाते हैं, ठीक है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और एक बात करता है ये नॉन वेट्स एंड मेजरमेंट्स की, मतलब इसमें पैक्ड कमोडिटी एक्ट भी जुड़ता है। तो बेसिकली दो एक्ट्स को जोड़ के ये बनाते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अब जो लोग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, और जो लोग पैक्ड कमोडिटीज बना रहे हैं, पैक्ड कमोडिटीज मतलब सब कुछ, तुम्हारे मोबाइल फोन्स, तुम्हारे शूज, तुम्हारे कपड़े, एवरीथिंग, ठीक है, खाने वाने के लिए हम फसाया यूज कर रहे हैं उसके साथ जुड़ के आता है, पर बाकी सारी चीजें जो हम डे टू डे यूज कर रहे हैं वो पैक्ड कमोडिटीज में आ गए। अब जब हम नॉन वेट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ कि ये जब भी तुम सपोज दूध लेने जा रहे हो या दूध वाले भैया आते हैं, उनके हाथ में ये अगर है, मेजरिंग पूरा यूनिट है उनका, तो वो अगर इसमें से 1 लीटर डालेंगे तो आप मान लोगे कि हाँ ये 1 लीटर डाल दिया है। सेम चीज अगर वो पेंट का टिन ले ले, पेंट के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो बोलेगा भाई साहब ये भी टिन है, ये भी 1 लीटर ही है और ये उतना ही मेजर बनाता है, इससे वो 1 लीटर दूध डाल दे, तो आप मान लोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? लिखा दिया है उसने, स्टिकर लगा दिया 1 लीटर का, फिर ओल्ड स्कूल, मतलब क्या पहले से चल रहा है? अरे तो ये तो 2009 में आया है, वो तो और पहले से चल रहा होगा। अब जब वेट्स एंड मेजर्स नहीं थे तो क्या कैसे मेजर होता था? आप एक बात बताओ, आज की डेट में तो आप सब्जियां लेने जाते हो तो वो बाट रखते हैं, ठीक है, अब वो अगर पत्थर रखते हैं तो आप लड़ाई करने लगते हो, भैया ये क्या रख रहे हो, पत्थर नहीं चलेगा। अगर वो छोटा सा भी मेजरमेंट करना होता है तो छोटा बाट भी आता है इतना सा, तो वो उसकी जगह पे भी अगर पत्थर रख दें कि भाई साहब वही होगा, तो आप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करोगे, लड़ने लग जाओगे भैया से कि आपने ये कैसे मेजर करने के लिए रख दिया, तो ऐसा क्यों? तो वही उस पर भरोसा क्यों होता है? कैसे पता लीगल है? तुम लोगों को तो अभी तक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी नहीं पता था, तो पत्थर भी उसने बनाया है ना, जो सब्जी वाले भैया है उसने अपने लिए बनाया है, पत्थर उठा लिया उसने। जब आप 1 लीटर दूध ले रहे थे तो आपको डाल के वो दे रहा था, तो आप विश्वास कर रहे थे कि हाँ यही सही डाल रहे हैं भैया, 1 ही लीटर डाल रहे हैं, जब वही सेम मेजरमेंट का वो टिन का बॉक्स ले रहे हैं और उससे वो डाल रहे हैं, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्या तो पैसे दूध दे रहा है वो आपको, ऐसा नहीं कि दूध नहीं दे रहा है। क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? क्योंकि ये जितने मेजरमेंट्स यूनिट्स हैं, ये जितने भी मेजरमेंट्स यूनिट्स हैं, ये सर्फ एज पर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, एज पर रूल्स बने हुए। अगर हमको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट नहीं भी पता था तो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर रूल्स। अब ये इसलिए बनाए गए हैं कि इंटरनेशनली और नेशनली हर कोई 1 लीटर को इतना ही समझे, हर कोई 1 केजी को इतना ही समझे, तो एक स्टैंडर्ड है जो यूनिफॉर्म रहे इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए हम लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो लोग ये बनाते हैं, जो मेजरिंग यूनिट्स बनाते हैं, वो इसके अंदर सर्टिफिकेट लेते हैं, अपने मॉडल्स अप्रूव कराते हैं गवर्नमेंट से। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आज की डेट में आपके पास डिजिटली वेट वेइंग मशीन आ गई है, पहले तो कांटे वाली चलती थी, आज भी मिलती है वो,
पर डिजिटली वेइंग मशीन अभी प्रोड्यूस हुई है ना, मार्केट में अभी आई है, तो वो मॉडल अप्रूव होके आया है अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। ठीक है, कि हम कांटे पे खड़े होते तो हमको पता था कि हमारा वेट 50 आएगा, 40 आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो जब वो कांटा स्विच होता तो हम मान लेते हमारा बॉडी वेट इतना है। ठीक है, अब जो डिजिटली जैसे अगर गए होगे रिलायंस वगैरह में या डीमार्ट में, तो वो इतनी बड़ी सी मशीन रखते हैं ऐसी, इसमें भी खड़े होकर हम अपना वेट नापते, तो वो बोलते थे ये आपके खड़े होने के लिए नहीं है, इसमें हम सामान रखने के लिए, इसमें सिर्फ राइस आटा ये हम कर लेते हैं। ठीक है, मेजर, क्योंकि हर चीज़ का ना एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, दिस इज नॉट वेइंग मशीन बॉडी वेट करने के लिए ये नहीं है। ठीक है, हमको मेजर करना है कि अगर बॉडी वेट है तो उसके लिए हमने एक अलग मॉडल बनाया कि इसमें अगर एक बॉडी बॉडी खड़ी होगी तो वो एग्जैक्ट उसका वेट बता देगा। ठीक है, तो नए नए मशीन्स आने के टाइम पे वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशंस कराते हैं। किसी को कोई डाउट? अभी एक बेस क्लियर होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली रूल्स ज्यादा नहीं, हमारे पास एक ही रूल है हमको दिया हुआ है एक पढ़ने को, पर हमको लॉ समझना है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट यही कहता है कि वेट्स एंड मेजर्स के लिए हमने कुछ सेक्शंस बना दिए हैं कि अगर यूनिट है तो भाई पानी को इस लीटर में बांधो। ये किसने बताया भाई पानी को हम केजी में क्यों नहीं नाप सकते? किसने बताया ये? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ने। ठीक है, हम बनाना उसको डजन में लेते हैं, दर्जन दर्जन में कैलकुलेट करके लेते हैं, लेकिन साउथ में इसको अभी भी केजीज में लेते हैं वो लोग, क्योंकि वहीं का प्रोडक्शन है, तो उनके स्टेट ने अभी तक उसको केजीज में रखा है। ठीक है, तो अब हर जगह का हम एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना सकें अगर हम इम्पोर्ट भी करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि वेइंग मशीन हो गए या ऐसे मेजरमेंट्स हम इम्पोर्ट भी करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म रहे कि इंटरनेशनली भी वो 1 किलो इसी को कहते हैं, हम भी 1 किलो इसी को कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन अब उन्होंने एज पर स्टैंडर्ड इसको क्रिएट कर दिया है, तो हमें लॉ को ही फॉलो करना पड़ेगा। अब जो दूसरी बात कर रहे थे हम, नॉन वेट्स एंड मेजरमेंट्स में मैंने तुमको बोला तुम्हारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो तुम चश्मे, मोबाइल फोन्स, ये तुम्हारे बॉटल्स, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हारे कवर हो गए, कपड़े, शूज, तुम्हारे नॉन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इनके अंदर आते हैं पैक्ड कमोडिटीज। ठीक है, पैक्ड कमोडिटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो हर मैन्युफैक्चरर को ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, इम्पोर्टर को लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है, और पैक्ड कमोडिटीज, तो हर मैन्युफैक्चरर जो पैक्ड कमोडिटीज बनाता है कि ये कंप्लीट पैक कमोडिटीज है, उसको लीगल मेट्रोलॉजी फॉलो करना है। लीगल मेट्रोलॉजी फॉलो क्यों करना है? कि जब भी आप एक पैकेज बनाओगे, एक शैम्पू बनाओगे, तो उसके पीछे आपको सारे स्पेसिफिकेशंस देने हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिकेशंस की वजह से आपको क्या करना है, लीगल मेट्रोलॉजी फॉलो करना है कि कौन से स्पेसिफिकेशंस। जैसे एक पैक कमोडिटी है एनकेजी, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट नेम होना चाहिए एनकेजी शैम्पू डेली यूज। ठीक है, उसमें जेनेरिक नेम होना चाहिए कि ये एक शैम्पू है, उसमें नेट क्वांटिटी और नॉट ग्रॉस क्वांटिटी, तो नेट क्वांटिटी आपने कितनी डाली है वो भी हमको चाहिए, मंथ ईयर ऑफ द इम्पोर्ट, अगर आपने इम्पोर्ट किया है तो कब किया था, इसके अंदर का कुछ भी अगर आपने इसमें डाला है और वो चीज़ इम्पोर्ट की है तो वो चीज़ की डेट और ईयर हमको चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है वो तो हमें पता है, हमने देखी भी है कि लिखी होती है। फिर यूज बिफोर डेट, शैम्पू है तो बता दो यूज बिफोर डेट। अब एक होता है यूज बिफोर द डेट और एक होता है एक्सपायरी डेट, दोनों में क्या डिफरेंस है? हिंदी मुझे मत बताओ ऐसे क्यों लिखते हैं, दोनों में यही लिख सकते हैं ना, एक्सपायरी डेट खत्म हो गया मत यूज करो। जितने भी जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जनरली पानी की बोतलें हैं, स्पेशली अगर ध्यान दो तो बिस्लेरी की बॉटल समझ लो, उसमें लिखा रहता है यूज बिफोर डेट, और जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, क्या डिफरेंस है? और यूज बिफोर डेट के बाद पी लगते हैं उसको, ब्रेड यूज कर लें तो ब्रेड तो हम 5-5 दिन चलाते हैं, उसमें तो 2-3 दिन ही लिखा रहता है, पड़ी रहती है फ्रिज में। हाँ तो अमूल दूध मत यूज करो, तो इन दोनों का डिफरेंस यही है कि यूज बिफोर डेट मतलब आप चाहो तो इसको बाद में भी यूज कर सकते हो, बट ऑन योर ओन रिस्क। ठीक है, हमने मेंशन कर दिया कि इसका टेस्ट
2 दिन के बाद खत्म होने लग जाएगा। आपको जूस पीना है आप पियो, लेकिन इसका डेट खत्म होने लग जाएगा। आपको पानी पीना है, लेकिन फिर उसका बाद उसमें वो मिनरल्स जो हम वाटर में देते हैं वो शायद आपको उतने इफेक्टिवली नहीं मिलेंगे। लेकिन एक्सपायरी डेट चाह के भी इस दिन के बाद यूज मत करो उसको, अगर यूज किया तो तुम्हें बहुत ज्यादा हार्म है। ठीक है, एक्सपायरी मतलब खत्म, मर गया इंसान, जैसे हम बोलते हैं एक्सपायर हो गया, तो कोई चीज भी है तो एक्सपायर हो गई मतलब उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में नहीं होनी चाहिए, वो डस्टबिन में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या आपने मिलाया है वो आपको प्रोडक्ट में बताना पड़ेगा। एनकेजी किस कंट्री में बना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हमेशा नाम होता है प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद उसकी एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस करके आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी लीगल मेट्रोलॉजी का पार्ट है, जहां आपको क्लियर स्पेसिफिकेशंस इन द प्रोडक्ट देने पड़ेंगे कि वो प्रोडक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है, उसका कैसे यूज होगा, उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं, उसमें क्या क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें बताता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसके रूल्स जो हमको नहीं है, मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसके रूल्स में ये भी बताया गया है कि कौन सी चीज आपको कहाँ पे मेंशन करनी है। भाई ये एक्सपायरी डेट कितनी हाईलाइटेड होनी चाहिए, एमआरपी आप कितनी छोटी लिख सकते हो, कितनी बड़ी लिख सकते हो, ये सारी चीजें उनने बताई हैं। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट हमको बताती थी कि अगर एक चिप्स का पैकेट है तो उसमें इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर आपका एक मटेरियल है तो इसमें इतना कॉटन यूज होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट हमको बताती। अभी 2021 में इसके रूल्स में अमेंडमेंट आए हैं, बड़ा एक्ट उठ के आया है अभी। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, अगर आप इंपोर्ट करते हो और अपने हिसाब से कोई भी चीज की कम क्वांटिटी बनाते हो, पहले तुम देखते हो कि इतने हर चीज के छोटे पैकेजेस नहीं आते थे, आज की डेट में तुम कोई भी चीज जो इतने से ड्राई फ्रूट के पैकेट आते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप देखो उसमें शायद 8-10 पीसेस होंगे काजू किशमिश के, लेकिन इतनी भी पैकेजिंग। अब गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है तुम अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन उसमें नेट क्वांटिटी क्लियरली स्पेसिफाई करो कि उसमें आप क्या डाल रहे हो, ये रूल्स में उन्होंने और नई चीजें बोल दी। हमको ये सारे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर हमको नॉलेज हो तो अच्छी बात है। ठीक है, दोनों चीजें समझ आ गई। एक्ट में क्लियरली हम क्या बात करेंगे, अगर देखो तो अंडरस्टैंड करेंगे हम स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर, मतलब कि अगर कोई गलत वेट्स एंड ये यूज कर रहा है, यानी कोई पत्थर यूज कर रहा है, कोई टिन यूज कर रहा है, तो इनका इंस्पेक्शन होके इनको सीज भी किया जाता है कि ये वेइंग मशीन या ये वाले स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजर्स एंड यू नो यूनिट्स आप यूज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन ऑफ प्री पैक्ड कमोडिटीज, अभी मैंने पैक्ड कमोडिटीज बताया, प्री पैक्ड में क्या आएगा फिर, जो पैक जैसे चावल खुले हुए मिलते हैं, ठीक है, अब वो जो नाप के देते हैं ना तुरंत तुरंत, वो लीगल मेट्रोलॉजी में नहीं कवर हो रहा, उसका वेट एंड मेजर बस कवर हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्री पैक्ड कई बार क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ने बना दिया, अब पैकेजिंग तुम करो, लेबलिंग तुम करो और आगे बेचो, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन बनती है जो ब्रांड कोई और लगाता है लेकिन बनाता कोई और है। ठीक है, तो जो ब्रांडिंग बना रहा है उस पर लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेबल होगा, इसलिए प्री पैक्ड कमोडिटीज हमको उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, ऑफेंसेज और पेनाल्टीज। छोटा सा एक्ट है, हमको सिर्फ इतनी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं एमआरपी होगी, जैसे मैं स्निकर्स की बताती वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, अब वो इंपोर्टर गुड्स थे, छोटा सा कहीं ना कहीं एमआरपी लिखी होगी, और इम्पोर्टेड चॉकलेट्स में नहीं लिखी होगी क्योंकि उनपे हमने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट नहीं बनाया, पर अगर आप अब इम्पोर्ट करते हो तो हमने डाल दिया, बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे लेबलिंग करो, यहाँ पैकेजिंग करो, यहाँ पे स्पेसिफाई करो। ठीक है, अब नेट क्वांटिटी की अगर बात करें हम, तो वो इम्पोर्टेड गुड्स होंगे। ठीक है, अगर हम वही मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप इंपोर्ट करो तो आप इन रूल्स में एप्लीकेबल हो गए, फिर यहाँ पे आप प्राइसिंग मेंशन करो। अब जब आप उसकी क्वांटिटी लोगे, वही मैं बता रही हूँ, जैसे एक बॉटल ली, ठीक है, तो उसमें वो लिख देते हैं क्वांटिटी 1N, एन यानी नंबर, यू यानी यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे कि तो एक इमेज दिखाती हूँ, एक सेकेंड, स्पीकर, ये सारे प्री पैक कमोडिटीज जो अभी तक पैकेज एक पैकेट में है लेकिन इनमें लेबलिंग नहीं है, इसमें क्वांटिटी नहीं है, ये सब खुले में मिलते हैं। अब
अभी आई नहीं है, मैं वो इमेज दिखाऊंगी जब तुम लोगों को आ जाएगी। उसमें क्लियरली है कि अगर मैं बॉक्सेस ऑफ बॉटल्स बना रही हूँ, एक बॉक्स है जिसमें मैंने 15 बॉटल्स डाल दी, तो वो बॉक्स के ऊपर क्या होगा, क्वांटिटी 15U। ठीक है, अब जैसे आप मोबाइल लेते हो, मोबाइल में क्या लिखा होगा, 1N नहीं, उसके अंदर चार्जर होता है, उसके अंदर ईयरबड्स होते हैं, तो फिर क्वांटिटी 1 फॉर द मोबाइल, क्वांटिटी 1 फॉर द चार्जर, क्वांटिटी 1 फॉर द अदर वायर, क्वांटिटी 1 फॉर द ईयरबड्स, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको ये नेट चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें इतना लिखा होगा कि 4N ऐसे, कि इसके अंदर चार चीजें हैं। ठीक है, चलो। लीगल मेट्रोलॉजी इज एप्लीकेबल ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो याद रखना, मेजरिंग यूनिट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वेरी ऑफन स्मॉल एरर्स इन डायरेक्शंस एवरेज ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ मेजर, बट बायस्ड एरर्स कैन क्रिएट कंसिडरेबल फाइनेंशियल प्रेशर एंड कैन हैव सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस फॉर द एंड ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कि अगर हम इसके अगेंस्ट लॉ नहीं बनाएंगे तो कोई 1 लीटर को कुछ बोलेगा, कोई 1 लीटर को कुछ बोलेगा, तो एंड कंज्यूमर के लिए हमेशा प्रॉब्लम आएगी और हमारे इकोनॉमिकली भी ये प्रॉब्लम आएगी। सेम चीज जो 10 रुपए का आप पैकेट लोगे और 10 रुपए का कोई और लेगा, जिसमें दोनों ने अलग अलग लीटर ऑफ मिल्क बताया हुआ है, तो इकोनॉमिकली ये गलत है, क्योंकि आपको कम लीटर का मिला है और उसको ज्यादा मीटर। तो हम चाहते हैं ये चीज यूनिफॉर्म रहे। मार्क करो, लीगल मेट्रोलॉजी इज वेरी वाइटल फॉर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन कंट्री। तीनों वर्ड याद रखना, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। साइंटिफिक क्यों, क्योंकि ये जो मेजर्स एंड यूनिट्स हैं ये सब साइंस है। टेक्नोलॉजिकल क्यों, क्योंकि जैसे अब डिजिटली सब आ गया तो वो नई टेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्यों, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और पैक्ड कमोडिटीज में लग रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज का काम है। रिटेलर्स पे हम नहीं बोल रहे कोई भी लीगल मेट्रोलॉजी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स मेजर्स एंड देयर प्रॉपर एनफोर्समेंट एम फॉर इंश्योरिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड दस लीगल मेट्रोलॉजी स्ट्रेंथन द नेशनल इकोनॉमी इन ब्रॉडर सेंस बिसाइड्स देयर पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। अब इतना सारा इंग्लिश में बोल दिया, वो कह रहे हैं कि जितने भी वेट्स एंड मेजर्स है उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए, इसलिए हम ये लॉ लेके आए हैं। और ये स्टैंडर्ड हम क्यों बना रहे हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल मेट्रोलॉजी को डिफाइन किया उन्होंने, पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच डील्स विद पॉइंट नंबर 1 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, पॉइंट नंबर 2 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, पॉइंट नंबर 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेरे साथ बोलो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग यूनिट्स या इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो फार एज कंसर्निंग, मैंने बताया था ऊपर, स्टैट्यूटरी, टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट, तीनों हम क्यों बना रहे हैं, यूनिट्स, मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स क्यों बना रहे हैं, ताकि वो लॉ के अंदर आ जाएं, टेक्निकली सही हो और लीगल रिक्वायरमेंट हमारी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की उसको कवर करें। तो अब मेरे साथ बोलो, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग यूनिट्स फॉर स्टैट्यूटरी, टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी, विच हैव अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ अश्योरिंग पब्लिक गारंटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अप्रोप्रिएट्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स। ये क्यों दे रहे हैं, फॉर पब्लिक गारंटी, कि भाई आपको सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी का मिल रहा है, और सिक्योरिटी एंड अप्रूव सिक्योरिटी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग, कि भाई ये एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट्स दे रहा है। क्लियर है, अब अपने जो बेस पढ़ा उससे ही आंसर रिलेट कर पाएंगे, अब हम याद कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है साक्षी, अब याद हो जाएगा, जैसे अपन ने समझ लिया तो याद हो जाएगा। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, उसका शॉर्ट फॉर्म देखो थोड़ा सा उल्टा है, OIML, ठीक है, LM ना हो के ML, उन्होंने ही बनाया है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, अब ये एक ट्रीटी बनाई है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है, कि मतलब इंटरनेशनल ने बोल दिया इसको 1 लीटर, वो ज्यादा पढ़े लिखे समझते हैं लोग, ठीक है, अपने आप को, उनने बोल दिया कि अगर 1 लीटर ये है या वेइंग मेजरमेंट्स के लिए ये सही वेट बताता है या फिर हम ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जो इसके सिग्नेटरी हैं वो सब सेम चीज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट भी हमने ले रखा है, मतलब हम इसके सिग्नेटरी है। अब हमारे इंडिया में अगर हम कोई भी मॉडल बनाएंगे, हम सब मिलके कोई एक मॉडल बनाएंगे जो मेजरिंग यूनिट बनेगा, तो हम OIML का सर्टिफिकेट ले लेंगे ना, तो वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल किया जाएगा। ठीक है,
तो इंटरनेशनली इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके मॉडल में भी इसका सर्टिफिकेट लग गया तो वो वहां पे भी एक्सेप्टेबल है। अब इसमें लिखा है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी यानी बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ऑर्गेनाइजेशन हुज मेंबरशिप इंक्लूड्स मेंबर स्टेट्स कंट्रीज पार्टिसिपेटरी एक्टिवली टेक्निकल एक्टिविटीज एंड करस्पॉन्डिंग मेंबर्स कंट्री विच जॉइन ओआईएमएल एज ऑब्जर्वर्स। ठीक है, हम सब इसके मेंबर हैं, हमारी कंट्री और भी सारी कंट्रीज इसमें मेंबर स्टेट्स में हैं, तो वो लोग टेक्निकल एक्टिविटीज करस्पॉन्डिंग मेंबर्स करके ज्वाइन होते हैं एज ऑब्जर्वर्स। ये ऑब्जर्व क्या करते हैं कि करंटली क्या स्टैंडर्ड्स हैं फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1955, इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर। ग्लोबल हार्मोनाइजेशन समझते हो कि सारी कंट्रीज में, सारी इंडिया के अलावा जितनी, एक हार्मनी रहे व्हेन इट कम्स टू लीगल मेट्रोलॉजी। भाई हम भी यही फॉलो करते हैं, आप भी यही फॉलो करो, ये इसका पर्पस था कि ये इस चीज को प्रमोट करे। हैज डेवलप्ड अ वर्ल्ड वाइड टेक्निकल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स इट्स मेंबर्स मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस फॉर एलैबोरेशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जो लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड करता है, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो एक और पॉइंट आ गया कि ये लोग बता रहे हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स मेट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लीगल मेट्रोलॉजी एप्लीकेशन। उसी को शॉर्ट में उन्होंने इसके हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी क्या है, मतलब अपने एक्ट के हिसाब से लीगल मेट्रोलॉजी क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स और मेजरिंग यूनिट्स फॉर स्टैट्यूटरी टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट्स और एक्यूरेट मेजरिंग बता सके। अब ओआईएमएल बोलता है लीगल मेट्रोलॉजी इज इंटायरली लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल प्रोसीजर, मतलब लॉ और मैनेजमेंट और टेक्निकल प्रोसीजर है जो कि स्टैब्लिश बाय पब्लिक अथॉरिटीज इंप्लीमेंटेड ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एंड इंश्योर रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल मैनर द अप्रोप्रिएट क्वालिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफिशियल कंट्रोल ट्रेड हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। ओआईएमएल बोलता है कि भाई मेट्रोलॉजी जो है लीगल मेट्रोलॉजी वो सिर्फ और सिर्फ ये है जो हमारे रेगुलेटरी है, जो हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और बोल दिया, इंश्योर कर दिया उन्होंने कि किसी भी प्रोडक्ट में हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट सब कुछ कवर होके वो अगर एक वेट और मेजरमेंट बता रहे हैं तो वो लीगल मेट्रोलॉजी में कवर होता है। तो इसमें तीनों चीजें लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल। तो क्योंकि वो कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है, उसने इंश्योर कर दिया है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए सेफ है, तो वो लीगल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या डेवलप किया है, मॉडल रेगुलेशन इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस व्हिच प्रोवाइड मेंबर्स विद एन इंटरनेशनल अग्रीड अपॉन बेसिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन ऑन वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वही चीज, गाइडलाइंस को पैसिवली उन्होंने लिख के दिया, ऊपर वाले पैराग्राफ को नीचे, ऊपर एक्टिवली लिखा था नीचे पैसिवली लिखा है। बेसिकली मेजरिंग यूनिट्स के लिए वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने यही रिकमेंडेशंस और यही गाइडलाइंस प्रोवाइड की है, डेवलप की है। Given increasing national OIML guidelines, more and more manufacturers referring to OIML recommendation ensure that their product meet the international specifications and metrological performance and testing. तो बहुत सारे manufacturers जो weight और measurements बनाते हैं वो लोग OIML के guidelines follow करते हैं, उनने जो specifications दिए हैं उसको follow करते हैं ताकि उनकी needs और meet जो government की needs हैं वो meet हो सके। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इज एन इंटरनल गवर्नमेंट ट्रीटी। अब ऊपर जो पढ़ाना बच्चे उसी को पॉइंटर में लिखा है, देखो, डेवलप मॉडल रेगुलेशन स्टैंडर्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बाय यूज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज एंड इंडस्ट्रीज, म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम्स विच रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड कॉस्ट इन अ ग्लोबल मार्केट, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी विद इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोरम्स कंसर्न्ड विद मेट्रोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड अक्रेडिटेशन, प्रमोट्स एंड फैसिलिट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी with related to legal metrology or cooperates other metrology bodies, raise awareness, contributes a sound legal metrology infrastructure and make a model economy. इसको याद कैसे करना है, ये पूरा OIML is very important, इसमें से ज्यादा ये question आ सकता है। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, पहला model regulation and related documents, दूसरा mutual recognition system to reduce trade barriers, ऐसे box बना लो। ठीक है, रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोरम्स कंसर्न्ड विद मेट्रोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन एंड
अक्रेडेशन, तो ये रिप्रेजेंट करता है लीगल मेट्रोलॉजी को फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन अक्रेडेशन। फिर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज विथ रिगार्ड टू लीगल मेट्रोलॉजी बिटवीन द कम्युनिटीज और अवेयरनेस ऑफ मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैव एन मॉडर्न इकोनॉमी। हाँ, उसने ये गाइड किया है, फॉलो करती है और उसने गाइडलाइंस प्रोवाइड की है। अगर आप देखो, अगर आप इंडिया में ही अपना मॉडल अप्रूव कराना चाहते हो तो आपने बना दिया, ठीक है। आप चाहते हो कि इंटरनेशनली भी एप्लीकेबल हो जाए तो आप इसका सर्टिफिकेट ले लो। जस्ट नीचे टॉपिक है OMIL का सर्टिफिकेट सिस्टम। इंस्टेंट मतलब मैंने अगर एक मैंने वेइंग मशीन बनाई, वो मैं इंडिया में बेच रही हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनली भी अगर किसी को बॉडी वेट यूज़ करना है तो वो यही वाली मशीन यूज़ करे, तो मैंने वहाँ पे भी एक्सपोर्ट करना चालू किया तो मुझे OIML का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी गाइडलाइंस बेस्ट गाइडलाइंस है, मैंडेटरी नहीं है, बेस्ट गाइडलाइंस है, ठीक है। तो लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया, वो ये बता रहे हैं इसको फॉलो करोगे तो मॉडर्न इकोनॉमी आएगी, इसको फॉलो करोगे तो अवेयरनेस रहेगी, इसको फॉलो करोगे तो आपको टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सब कुछ अच्छा प्रॉपर मिलेगा। हाँ, तो वही है ना, तब वो अप्रूव करेंगे ना। आपने बना दी, आपने पूरा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट फॉलो कर दिया, ठीक है। हमने यही फॉलो किया, लीगल मेट्रोलॉजी में काफी चीजें हैं जो उनके रूल्स वूल्स सब कवर्ड है। अपन ने इंडियन लॉ फॉलो करके बना दिया, वहां आप अप्रूवल के लिए भेजोगे, उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो वो आपको रिकमेंडेशन देंगे कि इसमें यही कमी है, फिर आपको उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। उनकी गाइडलाइंस ही हम फॉलो कर रहे हैं तभी हमने ये एक्ट बनाया, 2009 का ये एक्ट है, ठीक है। अब OIML सर्टिफिकेट सिस्टम से एक बार ये पढ़ लो, फिर डेफिनेशन से अपन कल करेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस 1991 में टू फैसिलिट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर लोअर द कॉस्ट एसोसिएट विद इंटरनेशनल ट्रेड मेजरिंग द सिस्टम प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर टू ऑब्टेन OIML सर्टिफिकेट एंड अ टेस्ट रिपोर्ट इंडिकेटिंग दैट अ गिवन इंस्ट्रूमेंट टाइप पैटर्न कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट OIML इंटरनेशनल रिकमेंडेशन। जो अभी पलक के साथ डिस्कशन हुआ, जैसे ही आपने मॉडल बनाया, आपने वहां भेजा, उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट भेजी कि हाँ आपका ये मॉडल रिकमेंडेशंस के साइड अप्रूव्ड है, आपने फॉलो की है हमारी गाइडलाइंस, ठीक है। सर्टिफिकेट्स आर डिलीवर्ड टू OIML मेंबर स्टेट्स एट दैट हैव एस्टैब्लिश वन और सर्विंग इशूइंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बाय मैन्युफैक्चरर विशिंग टू हैव देयर इंस्ट्रूमेंट टाइप सर्टिफाइड। हमारी इंडिया में मोदी जी के पास आ जाएंगे वो सर्टिफिकेट्स, फिर जो जो हमको चाहिए कि हमने OIML वाला फॉलो किया तो हम पे वो ठप्पा लग जाएगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय OIML आर एक्सेप्टेड बाय नेशनल मेट्रोलॉजी सर्विसेज ऑन वॉलंटरी बेसिस एंड एज अ क्लाइमेट ऑफ अ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन टेस्ट रिजल्ट डेवलप बिटवीन OIML मेंबर्स द सिस्टम सर्व्स टू सिंपली टाइम पैटल अप्रूवल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड मेट्रोलॉजी अथॉरिटी बाय एलिमिनेटिंग कॉस्टली डुप्लीकेट ऑफ एप्लीकेशन टेस्ट प्रोसीजर्स। मतलब कि जो आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली यही है कि आपने OIML के रिकमेंडेशंस फॉलो किए। दूसरा पॉइंट ये भी प्रूव हो जाता है कि ये कोई भी डुप्लीकेट या प्रोसीजर कोई ऑलरेडी फॉलोड किया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल वाला वेट और मेजरिंग यूनिट है। ऑब्जेक्टिव्स रीड करो अभी। और ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंट मार्क कर, ठीक है। किसी को कोई डाउट, ऊपर जो पॉइंटर्स हैं नीचे वही एज इट इज मेंशनड है, तो तुमने ये याद कर लिया। सेकेंड पॉइंट है टू अवॉइड अननेसेसरी रीटेस्टिंग, ठीक है। अगर आपने OIML का सर्टिफिकेट ले लिया तो बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं कि यार ये सही वेट बता रहा है कि गलत वेट बता रहा है। व्हेन ऑब्टेनिंग अ नेशनल टाइप ऑफ इवैल्यूएशन एंड अप्रूवल्स, बार बार आपको किसी और जगह की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टू सपोर्ट रिकॉग्निशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मॉड्यूल्स अंडर लीगल मेट्रोलॉजी कंट्रोल। मतलब उसके बाद आप अगर उसके कोई भी टाइप बनाओगे, वन यू हैव रिसीव द डॉक्यूमेंट, उसके कितने भी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन मॉडल्स बनाओगे वो अप्रूव्ड कहलाएंगे,
ठीक है, क्योंकि उसी का पार्ट बन रहा है। उसके बाद मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस रिजल्ट इन सपोर्ट ऑफ फैसिलिटिंग ग्लोबल ट्रेड ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपने वो बना लिया तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस है कि अब ये सही है। अब आपने OIML का ले लिया तो आपका प्रोडक्ट ग्लोबली भी रिकग्नाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही वेट बता रहा है, वहाँ पे भी, तो आप उसको इजिली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो कोई भी आइटम, तो आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन से हम कल पढ़ेंगे। मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि थर्ड चैप्टर चालू हो गया है अब, ठीक है, कंपटीशन और कंज्यूमर सबका हो जाना चाहिए अब ये वीकेंड तक एटलीस्ट। और लीगल मेट्रोलॉजी यहाँ आज छोटा सा एक्ट है, आज हमने सिर्फ 2 पेज पढ़े हैं, तुम ये 2 पेज घर पे रीड करके आ जाओगे, तुम्हारा ये इतना पार्ट हो जाएगा। कल हम डेफिनेशन फिर पेनाल्टीज तक आ जाएंगे, चैप्टर 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारी क्लास के साथ साथ कवर हो जाए, घर पे भी पढ़ाई तो ईजी है। किसी भी रिजल्ट का, किसी भी और कोई डेट टाइमलाइन का वेट मत करो, अगर आज फ्री हो तो पढ़ के खत्म करो। ठीक है,